हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भाजपा के भ्रष्ट लोगों ने नाजायज तरीके से जेल में डाल रखा है। उनका मकसद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बुलंद हौसलों को खत्म करना है, लेकिन यह संभव नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल है। रंजीत उप्पल ने कालका में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी के आला कमान के दिशा निर्देशों अनुसार करनाल कार्यक्रम में मंच से विधानसभा चुनावों का शंखनाद किया गया। सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। उन्होंने बताया कि हम हर गांव में जाएंगे, जन संवाद करेंगे, लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा आम आदमी पार्टी की नीतियों से अवगत कराएंगे, ताकि हम जनता के साथ मिलकर बदलाव ला सकें। रंजीत उप्पल ने कहा कि हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है और जनता आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है। रंजीत उप्पल ने कहा कि हरियाणा अरविंद केजरीवाल की जन्मभूमि है और यहां की जनता उनका आशीर्वाद जरूर देगी। उन्होंने कहा, आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की बहुमत की सरकार बनाएगी और हरियाणा में सुशासन स्थापित करेगी। इस पत्रकार वार्ता के दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर सिंह, ब्लॉक प्रधान प्रवीण कुमार, गुरचरण सिंह करणपुर, मेहर सिंह लोहगढ़ मौजूद रहे। तीसरा, आज महंगाई देख रहे हम सब कि महंगाई बहुत ऊपर है। जो सिलेंडर 400 रुपये का हुआ करता था तो बीजेपी के सांसद और स्मृति ईरानी जैसे इनकी सांसद थी, वो सिर के ऊपर सिलेंडर उठा के चूड़ियाँ पहन के वो लोगों को उस टाइम 50 रुपये सिलेंडर का रेट बढ़ा था मनमोहन सिंह की सरकार में, तो इन्होंने बहुत बड़े हंगामे करे। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर वही सिलेंडर आज 1000 रुपये के करीब है। जो तेल 50-60 रुपये बोतल सरों का मिलता था, 200 रुपये लीटर है। दालों की कीमतें, सब्जियों की कीमतें आज देख लो। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।